हेलो, कैसे रहे आप लोग? मेरा नाम है श्वेता सिंह और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर बस यूं ही आप लोगों से कुछ दिल की बात कहने। हिचकियाँ काफ़ी आई मुझे, तो चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पाइसेस की। किचन स्पाइसेस की नहीं, लाइफ स्पाइसेस की। दोस्तों, आप सब ने क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि हम किसी ऐसे इंसान के साथ कभी कभी होते हैं जिसके टेस्ट हमसे नहीं मिलते, जिसकी प्रेफरेंसेस हमसे नहीं मिलती, या जिनकी बातें भी हमसे नहीं मिलती और उनके वक्त गुजारने के तरीके भी हमसे नहीं मिलते। सो इन शॉर्ट, अगर हम कहें कि हम कुछ भी कॉमन नहीं रखते, क्या सोचना है आपका उन रिश्तों के बारे में जो एक दूसरे से एक्सट्रीमली ऑपोजिट हैं? आई एम श्योर आप में से आपके दोस्त या फिर आपके पार्टनर्स या कोई ना कोई लाइफ में ऐसे ज़रूर मिले होंगे जो बिल्कुल आप जैसे नहीं हैं, पर उनसे दोस्ती कमाल की है या फिर मोहब्बत भी बेइंतहा है। तो ये जो अलग अलग तरीके के टेस्ट हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। वैसे तो ये बहुत सुना हुआ फ्रेज है, दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट, बट अट्रैक्शन के बाद चीजें खत्म नहीं हो जाती। ऑपोजिट डेफिनेटली अट्रैक्ट, बट रियल लाइफ में जो लोग ऑपोजिट होते हैं, एकदम एक्सट्रीमली ऑपोजिट होते हैं, वो अट्रैक्शन की लाइफ तो काफी छोटी है। क्या उस रिश्ते को आगे तक ले जा पाते हैं? मेरे एक मित्र हैं जिनको मैं जब से जॉब करना शुरू किया है तब से जानती हूँ, वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं मुझसे। मैं उनके अकॉर्डिंग बेहद बचपने वाली बातें करती हूँ और वो बहुत मैच्योर हैं। उन्हें मीठा पसंद है, मुझे टिपिकली स्पाइसी पसंद है। मुझे डांस, म्यूजिक, पार्टीज ये सब बहुत अच्छा लगता है और डांस से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वो सारी चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोच के, शांत तरीके से एनालाइज करके फिर एक्शन लेते हैं और अपने इमोशंस में बड़े ही कंट्रोल्ड रहते हैं। और मैं निहायत ही जज्बाती हूँ, मतलब टू मच इमोशनल, बहुत ही फ्रजाइल। हर तरीके को पहले इमोशनल फ्रंट पे देखती हूँ, फिर सोचती हूँ, कई बातों को दिल में लगा लेती हूँ और कई बार बड़ी बड़ी बातों को छोड़ देती हूँ। तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। उनका खाने का टेस्ट और मेरा खाने का टेस्ट बिल्कुल मैच नहीं करता, लेकिन हमारी दोस्ती कमाल की है। 15-16 साल हो गए मुझे उन्हें जानते हुए, लेकिन आज भी कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमें दोस्त नहीं होना चाहिए था। हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, हद से ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, इतने कि हमारे घर वालों को भी पता होता है कि हाँ ये लड़के आए हैं आज। लेकिन वो दोस्ती अभी तक बरकरार है, हम एक दूसरे के फैमिलीज में आते जाते हैं, मिलते हैं। पहले सबको लगता था कि हमारा कोई रोमांटिक कनेक्शन है, बट बहुत जल्दी सबको समझ में आ गया कि ये राहुल अंजलि का कॉम्बो नहीं है, ये तो एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला कॉम्बिनेशन है।
हम बहुत ही प्योर फ्रेंड्स हैं आज भी। उनकी लाइफ पार्टनर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन रिश्तों की जो खट्टे और मीठे को मिला के बनाए गए हैं। सो असल जिंदगी में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो क्या हम उन डिफरेंसेस को एक लॉन्ग टाइम में एक्सेप्ट कर पाते हैं? परहैप्स वो और मैं दोस्त हैं, शायद इसलिए हमें एक दूसरे का वो रूप या वो पहलू हमें नहीं देखना पड़ा जो शायद दो एक एक्सट्रीमली ऑपोजिट लोग मैरिड लाइफ में देखते हैं या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में देखते हैं। शुरू शुरू में सब बहुत अच्छा होता है, जैसे पिछले कुछ एपिसोड में हमने जिक्र भी किया, बट व्हेन द बबल ब्लास्ट, उसके बाद क्या? क्या हम उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, या उन डिफरेंसेस की वजह से हमारे बीच की कड़वाहट पैदा होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और रोज़मर्रा के छोटे छोटे फाइट्स का रीज़न बन जाती है, और धीरे धीरे ये डिफरेंसेस इतना बढ़ जाते हैं कि हम एक दूसरे की वो जो स्पाइसी वाली साइड होती है, खट्टे मीठे वाली साइड होती है, उसको छोड़कर कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। वही डिफरेंसेस जो हम पहले शुरू शुरू में इंजॉय करते थे, वो डिफरेंसेस आज तकलीफ बन जाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही वर्कहॉलिक है और हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, या हम उतने वर्कहॉलिक नहीं है, शुरू शुरू में सब मैनेज हो जाता है, पर क्या बाद में वो किसी तरह के मनमुटाव का विषय बन रहा है? या मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो हम उसे शुरू शुरू के रिश्तों में तो काफ़ी मनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, स्माइल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, चेरिश करते हैं उन मोमेंट्स को जब हम उस फाइट को ओवरकम करके फिर से यूनाइट हो जाते हैं। बट क्या वो शॉर्ट टेम्पर पर्सन लॉन्ग रन में आपके लिए उतना ही इंटरेस्टिंग रह जाता है? सो मैं बात कर रही हूँ रेस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ईच अदर। इसे कैजुअली डिस्कशन के लिए शुरू करने के लिए तो ये एक मामूली सी बात हो सकती है, पर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा रीज़न है रिलेशनशिप्स में मन मुटाव का। और फिर ये आ जाना कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, पहले गुस्सा होने पर मनाया जाता था, पर आज अगर नहीं मनाया जाता तो उसको इस तरीके से लिया जाएगा कि आज शायद उस चीज़ की कद्र नहीं है या उस चीज़ की केयर नहीं है। बट हो सकता है कि उस डिफरेंस को अब एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ज़रूरत है समझने की कि ये उस पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, ये पूरे पैकेज के साथ आपको मिलेगा। अच्छा बुरा खट्टा मीठा जो भी है, ये कंप्लीट पैकेज है रिश्तों में। सिर्फ अच्छा अच्छा हम रख लें और कड़वा कड़वा छोड़ दें, ये तो सही बात नहीं है, ये बिल्कुल फेयर भी नहीं है। सो क्या करें? क्या ऐसे ही लड़ते झगड़ते पूरी जिंदगी निकाल दें और उस मन मुटाव और कलेश को अपना हिस्सा बना लें? या फिर ज़रूरत है एक्सेप्ट करने की बैठ के कि हम तुम अलग हैं पर साथ हैं?
हम तुम अलग हैं पर साथ हैं, बस इतनी सी बात है। जरूरत है इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने की, ठीक है? आपको नहीं अच्छा लगता नाचना गाना, पर कभी कभी उनकी खुशी के लिए कंपनी दे सकते हैं। मान लीजिए कि उनको सिर्फ काम ही पसंद है, तो कभी कभी उस काम को जितनी इम्पोर्टेंस वो देते हैं, शायद हम भी उनके साथ मिलकर दे सकते हैं। उसको आसान कैसे बनाया जाए कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, या अच्छे से ख़त्म हो जाए, या फिर पीसफुली ख़त्म हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी स्पाइसी खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना बनता है, टेस्ट बढ़ा देता है। रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। और जब हम इस बात को समझने लग जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, बिना जजमेंट के, बिना लड़ाई के। और ये दोनों दोनों लोगों के लिए ज़रूरी है, दोनों पहलुओं के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे की डिफरेंसेस को समझें। सिर्फ मैं से दो लोग साथ नहीं चल पाते, मैं और तुम जब हम बन जाते हैं तो बड़े आराम से साथ में चल पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आप ही हैं सॉल्ट एंड शुगर, तो बताइए कुछ ऐसे खट्टे मीठे डिफरेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में। और एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सॉल्ट एंड शुगर बढ़िया सा शिकंजी वाला टेस्ट दे रहे हैं, या फिर सिर्फ सॉल्टेड और सिर्फ शुगर हो जा रहा है, या सॉल्ट एंड शुगर मिलके कुछ अलग ही बन रहा है। ध्यान दीजिए, इन डिफरेंसेस पे बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर आपको कुछ नया स्पाइस मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी मुस्कुराहट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी, जल्दी ही मिलूंगी। फिर इंतज़ार कीजिए, बस यूं ही। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।